मध्य प्रदेश में पटवारी चयन परीक्षा पटवारी सिलेक्शन टेस्ट को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस ब्रीफिंग में पलटवार किया है। पटवारी चयन पर परीक्षा पर कांग्रेस के आरोपियों पर गृह मंत्री ने कहा कि अशोक नगर का कांग्रेस प्रवक्ता फेल हो गया, इसलिए पटवारी चयन परीक्षा में सवाल खड़े कर रहे हैं। जो 60 टॉपर हैं, सभी ने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी है, सभी का रिकॉर्ड है, मांगो सब मिलेगा। मार्कशीट सबकी देख लेते तो इन्हें झूठे नहीं बोलना पड़ता। देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी ने परीक्षा कराई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर में 5% और भोपाल में 42% लोग पास हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि पता नहीं ग्वालियर से कांग्रेस को क्या तकलीफ है। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में एक भी नौकरी नहीं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 1,00,000 नौकरी दी, इसलिए दिक्कत हो रही है। कांग्रेस अपनी सरकार में ढोर चराने की नौकरी दे रही है, ये लिखित में दिया था। कांग्रेस कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रैली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का प्रवक्ता है जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है, उसके तथ्य ही इनको तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सीरीज में झूठ बोल रहे हैं, नौजवानों के मनोबल को तोड़ रहे हैं। मैं झूठ की श्रृंखला थोड़ा आपके सामने लाना चाहता हूं। ये जो 7 टॉपर है, इनमें से किसी ने भी एक ही शिफ्ट में परीक्षा नहीं दी है, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी। कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, एक एक सवाल और एक एक जवाब का एक एक क्लिक रिकॉर्ड होती है, जो रिकॉर्ड में है मांगो तो क्यों नहीं मांग रहे पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि तो आपका झूठ सामने आ जाएगा। लिखित में दो जो भी चाहिए, जबानी जमा खर्च मत करो। कितना शर्मनाक होगा कि इस देश में हिंदी में दस्तखत करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कमलनाथ जी सवाल उठा रहे हैं। ये जवानी जो लुटियंस में निकाली है ना, इटालियन संस्कृति में रंग बस गए हैं। अरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, जिसमें मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने लगी, जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने लगी, वहां हिंदी में दस्तखत नहीं होंगे तो क्या इटालियन में दस्तखत होंगे? अगला, आप झूठ स्वतः सुन लो। आपने जो कहा है कि मार्कशीट इन सब की अगर आप देख लेते तो आपको शायद ये झूठ नहीं बोलना पड़ता कि हिंदी में दस्तखत करने वालों के 25 में से 25 नंबर आए। मार्कशीट तो देख लेते, एक के भी 25 में से 25 नंबर नहीं आया, ये पांचवा झूठ है आपका। कोई गड़बड़ी हो नहीं रही है, यही हम कह रहे हैं कि प्रदेश को बदनाम करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, यही आपके सामने रखे हैं और उनके झूठ हम बता रहे हैं। पांचवा झूठ आपने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लगातार झूठ बोलने की श्रृंखला है। जो ये देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है, जिसने IIT और नीट का एग्जाम कराया है, ये वो कंपनी है सबसे प्रतिष्ठित। आपका झूठ एक और बता दूं मैं, आपने कहा 1,000 से ज्यादा लोग पास हो गए एक ही एक सेंटर से, इससे बड़ा झूठ क्या हुआ? कुल 114 लोग पास हुए, और जो इसमें 114 पास हुए हैं, 31 सेंटर और हैं जिसमें इससे ज्यादा लोग पास हो गए, लेकिन उनकी चर्चा नहीं है। पता नहीं ग्वालियर से क्या दुश्मनी है, ग्वालियर में कुल 5% लोग पास हुए, भोपाल में 42% लोग पास हुए। सवाल ग्वालियर पर उठाते हैं। ये ग्वालियर के बारे में जब आप 15 महीने सरकार में रहे तब आपका दुराग्रह देखा लोगों ने, और ग्वालियर का नौजवान जिसके हितों पर कुठाराघात कर रहे हो, वो उनकी योग्यता पे प्रश्न उठा रहे हो जो टॉपर हैं। आपने तो अपने कार्यकाल में कमलनाथ जी एक नौकरी नहीं दी, सिंगल। अरे कांग्रेस के लोगों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो इस बात पे करो कि तुम्हारे कार्यकाल में कितनी नौकरियां मिली, तो हम मीर मानेंगे तुमको।
नौकरियां देने का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ 1 लाख तक पहुंचने को हुआ, ये प्रसव वेदना आपको सहन नहीं हो रही कि आप एक नहीं दे पाए और माननीय शिवराज सिंह जी 1 लाख नौकरियों पे आ गए, ये पीड़ा है आपकी। और ये पीड़ा प्रदेश का नौजवान देख रहा है और नौजवान आप पर इन एक एक चीज का हिसाब देके हिसाब करेगा। ढोर चराओ, कमलनाथ जी ने लिखित में है, इन्हें लिखित में कहा नौजवान से कि ढोर चराओ, बैंड बजाओ। ये कांग्रेस सरकार का था, एक नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की नौजवान को, एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। ये कमलनाथ सरकार थी और ये शिवराज सिंह जी की सरकार है जो 1 लाख तक पहुंच रही है।